आज मैं थोड़ा सा रेडी हुई हूँ और मैंने पहना है न्यू ड्रेस। मैं कैसे है कंप्लीट एंड सूट करने के बाद घर का क्या हालत होता है ये देखिए, कितना ज्यादा मेसी हो गया मेरा। तो मैं लगी हूँ किचन में, मैंने पूरा पखड़ा बन बन बना इफ्तार दावत, तो वहाँ उसमें मुझे बहुत सारा काम करना है गाइस। तो मैं बस हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू लवलिंग की दुनिया ब्लॉग। तो आज है रमजान का लास्ट फ्राइडे जिसे हम कहते हैं अलविदा जुमा। तो आज मैं थोड़ा सा रेडी हुई हूँ और मैंने पहना है न्यू ड्रेस। मैं कैसी लग रही हूँ आप मुझे जरूर डीएम करके बताएंगे। एंड मैं थोड़ा सा कुछ सूट करने ऊपर आई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ब्लॉगिंग भी स्टार्ट कर दूँ। थोड़ा लाइट जला रही हूँ ऊपर, मैं आप लोगों को नहीं दिखाया क्योंकि अभी ये कंप्लीट अभी अच्छे से तरीके से हो जाए, फिर इंशाल्लाह जरूर ऊपर का भी दिखाऊंगी। अर्शु आओ जल्दी आओ। तो ब्लॉगिंग यहाँ से स्टार्ट कर चुकी हूँ एंड आज है सर के इफ्तार का दावत एंड उसके बाद फिर बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो अब वीडियो में बने रहिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। आज है मुझे बहुत सारा काम किचन में, देखिए मैंने बहुत सारी चीज़ें तैयार भी करके रखी हुई है। यहाँ पे मेरा सारा चना वना करके मैंने रखा हुआ है एंड अभी किचन में मुझे इतना काम है कि मैं ज़्यादा लंबा कुछ भी सूट नहीं की हूँ। बस आप लोगों को हाई करने के लिए ब्लॉगिंग स्टार्ट कर चुकी हूँ एंड आज है अर्श के सर का इफ्तार दावत, तो वहाँ उसमें मुझे बहुत सारा काम करना है गाइस। तो मैं बस आप लोगों को थोड़ा थोड़ा बीच में ब्लॉगिंग करती रहूँगी एंड सबसे पहले जुमा मुबारक हो, आज लास्ट जुमा है और मैं बहुत मुझे एक पिंपल हो गया, देखिए पता नहीं क्यों मुझे पेन हो रहा था मॉर्निंग से और एक पिंपल हो गया। गर्मी बहुत ज़्यादा है, पानी की कमी हो रही है और मैं जब तैयार हुई ना, ये देखिए कितना स्वेटिंग हो रहा है, मतलब मैं सूट कुछ नहीं कर पाई हूँ। हल्का फुल्का जो कहते हैं ना, मैं एक दो ही की हूँ, ऊपर जाके तो बिल्कुल नहीं कर पा रही थी। बैल्कोनी में मैं इसको कोशिश कर रही थी, नहीं हो पाया, बट फाइनली मैंने अपना सूट कर लिया है कंप्लीट। एंड सूट करने के बाद घर का क्या हालत होता है ये देखिए, कितना ज़्यादा मेसी हो गया मेरा पूरा बेड वेड मेसी हो गया है और हॉल रूम भी बहुत मेसी हो गया। मुझे करना पड़ेगा कि सब कुछ सेटअप और इफ्तार बनाना है। सूट में मैंने जो किया है वो इंस्टाग्राम में आप जाके देख सकते हैं। मेरा देखिए स्वेटिंग की वजह से पूरा मेरा जो हेयर है ना सड़ जा रहा है। तो सूट में मैंने जो किया है वो आप इंस्टाग्राम या फेसबुक में मुझे अगर फॉलो करते हैं तो वहाँ से देख सकते हैं। मैंने ईद के लिए कुछ सूट किया है, ज़्यादा नहीं कर पाई हूँ क्योंकि अर्श को पकड़ने में थोड़ा, बच्चा छोटा है इसलिए वो तो इतना भी कर देता है, वो थोड़ा पकड़ता है, बोलता है मम्मा हैंड में दर्द हो रहा है, तो उस वजह से वो उतना पकड़ नहीं पाया। मगर फिर भी मैंने जितना किया, जितना उसने कर दिया उतना मैं सोच भी नहीं सकती हूँ क्योंकि वो बहुत अभी छोटा है, बट मेरी हेल्प करता है। एंड अभी मुझे बस 10 मिनट में लूंगी, सारे रूम को सेटअप करूंगी और उसके बाद मैं फटाफट से किचन में भागने वाली हूँ। तो मैं लगी हूँ किचन में, मैंने पूरा पखड़ा बन बन बना लिया है और मैं चारों गैस जल्दी जलाती नहीं, मगर आज इतना ज्यादा बोलिए काम है, इतना ज्यादा काम है इसलिए मैंने चारों गैस को यूज किया है। तो एक तरफ चढ़ा लिया है फटाफट से चना, दूसरी तरफ मैं उबाल रही हूँ आलू अंडा दोनों को, एक को उबाल रही हूँ क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ एग चॉप भी और पोटैटो चॉप भी। तो ये कैसे बनता है दोनों को मिला के मैं बनाती हूँ। दूसरी तरफ मैंने समोसे के लिए पूरा तैयारी कर रखा है एंड तीसरे तरफ मैं बना रही हूँ कीमा। तो फटाफट से काम करना हो ना तो इस तरीके से लगना पड़ता है क्योंकि मुझे पता है मेरे साथ क्या है, जब मैं किसी का दावत करती हूँ ना तो मुझे बहुत मदद होता है कि भाई जल्दी जल्दी कर लूँ, उसके आने से पहले कुछ चीज भी लेट होती है ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है। तो यार इधर मैंने कीमा समोसे के लिए बना करके बना रही हूँ, दूसरे तरफ चना भी चढ़ा दिया है, तीसरे तरफ भी लगी हुई, चौथे तरफ भी लगी हुई, फटाफट से हो जाता है। चार चूल्हे का यही बेनिफिट्स है। तो वीडियो बनाना ये गलत चीज है। दूसरा बात की बहुत लोगों ने कहना कि भाई फर्स्ट वीडियो बना दी और उसमें घर में काम नहीं होता, उनका सारा दिन ऐसे ही जाता है। तो उन लोगों के लिए मैं मैसेज दे रही हूँ छोटा सा कि कोई भी प्रोफेशन में अगर आप गर्ल हो तो आपको किचन में लगना ही पड़ता है। हाँ ये अलग बात है कि आपके घर मेड है फिर भी आप थोड़ा तो आपको करना ही पड़ेगा, और मैं अभी नए घर में शिफ्ट हुई हूँ तो मुझे मेड ढूंढने में बहुत तकलीफ हो रही है। तो इंशाल्लाह ईद के बाद देखती हूँ, जरूर ढूंढूंगी क्योंकि मुझे सच में बहुत तकलीफ हो रही है। अभी मैं सारा सुबह उठ करके सबसे पहले पता है
सुबह उठने के साथ ही मैं ऊपर झाड़ू पोछा सब कुछ खुद से करती हूँ। उसके बाद लगती हूँ दिन के लंच में, फिर उसके बाद अगेन फिर लगती हूँ इफ्तार के सारे कामों में। तो ये चीज थोड़ा मेरे लिए टफ हो रहा है, मगर ईद से पहले मुझे नहीं लगता कि ना मेरे हस्बैंड के पास टाइम है ढूंढने का और ना मैं कहीं निकल सकती हूँ, इसके लिए आपको थोड़ा निकलना पड़ेगा। ये देखिए मेरे चारों चढ़ा रखा है, देखिए चारों गैस में यूज कर रही हूँ। ऐसा मैं करती हूँ जब मुझे बहुत जल्दी, इसमें कीमा का है और इसमें कीमा आलू है, इसमें बना रही हूँ अंडा उबाल रही हूँ और उसमें चढ़ा हुआ है चना, तो सारी चीजें हो रही है फटाफट से। यहाँ पे मेरा मैदा आ चुका है समोसा के लिए, तो मैं इससे पहले भूनने वाली हूँ, थोड़ा सा इसे भून करके पहले से रख दिया होता है सही रहता है। इसमें क्या ऐड करती हूँ तो सबसे पहले मैं बताऊँ कि थोड़ा सा रिफाइन, इसे थोड़ा सा रिफाइन देती हूँ, थोड़ा सा ये होते ना जो एकदम फुरफुर बन जाएगा क्रंची। यहाँ मेरा समोसा का जो कीमा है वो तैयार हो चुका है, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूंगी इससे, बहुत ज्यादा नहीं हल्का, और अब इसको भूनने वाली है, भून के मैंने थोड़ा देर पहले से रखी है तो सही रहता है। एक तो अलविदा जुमा, साथ में इसके सर का यानी हाफिज जी का था दावत आज इफ्तार का, तो मैं थी काफ़ी ज़्यादा बिजी, फिर भी मैंने आप लोगों के लिए टाइम निकाल के सूट किया है। तो प्लीज़ लाइक ढेर सारा किया कीजिए, व्यूज़ भी बहुत कम हो गए मेरे चैनल पे, तो प्लीज़ जितना हो सके शेयर करिए। मैं हर दिन हर रोज़ आप लोगों के लिए सूट करती हूँ, काम के साथ साथ आप लोगों पर भी ध्यान देती रहती हूँ और आप लोगों को हमेशा इंटरटेन करने की कोशिश करती हूँ। तो प्लीज़ मुझे जितना हो सके लाइक मेरे वीडियोस को करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, पहली बार आ रहे हैं तो, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए शेयर करिए उन लोगों को जो सच में ब्लॉगिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं या फिर ब्लॉगिंग देखना पसंद करते हैं या जिनको लगता है कि ब्लॉगिंग करना बहुत टफ है, पता नहीं यूट्यूब में कर पाएंगे कि नहीं, बहुत ईजी है, आप कर सकती हैं, इससे आइडिया आपको मिल जाएगा कि कैसे ब्लॉगिंग करना है। तो मैं लग गई थी यहाँ पर इफ्तार की तैयारी में, क्योंकि अभी सर का आने का बहुत टाइम हो चुका था और मुझे बहुत सारा काम करना था, तो मैं यहाँ पे फटाफट से कर रही हूँ, पोटैटो चॉप बना रही हूँ। पोटैटो चॉपर्स को बहुत पसंद है बेसन में, उसे लपेट करके छान के बहुत टेस्टी लगता है। फाइनली
सारी इफ्तार मेरी बन गई थी एंड अजान हो गया था इसलिए ज़्यादा सूट नहीं कर पाई हूँ। जितना भी की हूँ आप लोगों के लिए की हूँ तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। एंड अभी से भी एडवांस हैप्पी ईद टू ऑल ऑफ यू, आप सबको ईद की बहुत सारी बधाई हो और रमज़ान की भी। अल्लाह हाफिज़, फिर से मिलता है एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।